स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड का लेसन नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगा और इस लेसन का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इस लेसन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है क्रूग को एक्सप्लेन करने से पहले या पढ़ाई में लीन होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और मंगलोर के बीच का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय कस्बा है, वहाँ पे एक स्वर्ग का टुकड़ा या एक स्वर्ग स्थिर है जो निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य से बहकर या उड़कर आया है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. यह जो घुमावदार और पहाड़ी एरिया है, यह इनहेबिटेट है, रहने का स्थान है स्वाभिमानी और योद्धा पुरुषों का और साथ ही साथ सुंदर महिलाओं का और साथ ही साथ जंगली प्राणियों का। कुर्ग और कोडाइगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडाइगु एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और यह सदाबहार जंगलों का घर है। यहाँ पर सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। स्पाइसेस एंड काफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे मसाले और काफ़ी के बागान हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का या इस डिस्ट्रिक्ट का 30% सदाबहार जंगलों ने घेर रखा है। During the monsoon, it powers enough to keep many visitors away. मानसून के दौरान या बारिश के मौसम में यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि जो पर्यटक होते हैं यहाँ से दूर ही रहते हैं। The season of joy commences from September and continue till March. और जो आनंद का, मौज मस्ती का सीजन होता है उसकी शुरुआत होती है सितंबर महीने से और यह चलता है मार्च के महीने तक। द वेदर इज परफेक्ट और यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अच्छा है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, कभी कभी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स द इनविगोरेटिंग कॉफ़ी और जो यहाँ की हवा है उसमें काफ़ी की स्फूर्ति वाली महक होती है। काफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। यहाँ पे जो काफ़ी स्टेट हैं या फिर कॉलोनियल बंगले हैं वे ट्री की कैनोपी या ट्री की छतरी के नीचे महत्वपूर्ण कोने में खड़े हैं। द फर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। ये जो भयानक स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के बहुत हद तक संभव है कि ये ग्रीक के या फिर अरेबिक देश के हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when returned become in
इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा यहाँ से दक्षिणी तरफ चला आया तटीय क्षेत्र में और यहाँ पर सेटल्ड हो गया, बस गया। और जब यह तब किया गया जब उनका लौटना संभव नहीं था, अव्यवहारिक था। दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल एंड कल्चर इज अपेरेंट इन द मल्टीयल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम। इन लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से शादी की और अपने संस्कृति को, अपने युद्ध कौशल को, अपनी युद्ध की परंपरा को और शादी तथा धार्मिक रीति रिवाजों को हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न रखा है, जो हिंदुओं की मुख्य धारा से बिल्कुल भिन्न है। शादी तो यहाँ किया लेकिन यहाँ के मुख्य धारा से लोग बिल्कुल भिन्न हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉन सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडरीड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई कोडावस। और इस सिद्धांत को कि ये जो कुर्ग लोग हैं ये अरेबिक, मूल रूप से अरेबिक हैं, इस बात को बल मिलता है इनका जो पोशाक है, इनका जो कोट है काले रंग का, उस पर जो जड़ी का कमरबंद होता है जो कि कोडावस के द्वारा पहना जाता है, तो इनकी यह पोशाक भी इस बात को बल देती है कि ये ग्रीक लोग हैं। और एक कोडावस जिनको हम कुपिया के नाम से भी जानते हैं। इट रिसेम्बल्स द कुफिया ऑर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स एंड द कूर्ड्स। यह जो पोशाक है कुफिया के द्वारा पहनी जाने वाली, यह जो पोशाक है कुफिया के समान है और जिसे पहना जाता है अरब या कूर्ड के, अरब और कुर्ड के लोगों के द्वारा। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। ये जो कुर्गी लोगों के घर हैं यहाँ पे मेहमानबाजी की परंपरा है, ये मेहमानों का स्वागत करते हैं। एंड दे आर मोर then willing to recount numerous tales of valor। और ये लोग इस बात की बहुत इच्छा रखते हैं, बहुत तरह की कहानियाँ सुनाते हैं जो पराक्रम की होती हैं। और ये कहानियाँ होती हैं उनके पिता लोगों की या उनके पुत्र लोगों की, इसमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितने पराक्रम से क्या क्या किया। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट एक बहुत ही आकर्षक रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज कुर्गी। और भारतीय सेना का जो पहला चीफ था वह एक कुर्गी ही था जिसका नाम था जनरल कैरियप्पा। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन द इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और अभी भी हमारे देश में केवल इन्हीं लोगों को, केवल कुर्ग को ही बिना लाइसेंस के आग्नेय शास्त्रों को रखने की अनुमति मिली है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg। कावेरी नदी में जो पानी आता है वह यहाँ की पहाड़ियों से आता है और यहाँ के कुर्ग के जंगलों से आता है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर एक बड़ी मछली का नाम है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। Abounded in these waters, इन पानी में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। A large fresh water fish, ये तो मैंने भी कहा। Kingfisher dive for
देयर कैच। और किंगफिशर जो एक बर्ड है वो मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाती है। व्हाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि गिलहरियाँ और लंगूर आधा खाए हुए फलों को शरारत के लिए और शरारतपूर्ण आनंद के लिए पानी में छपाक की आवाज़ के लिए और पानी में तरंगों का इफेक्ट पैदा करने के लिए पानी में गिराते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। हाथी पानी में नहाना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं जब इनको इनके महावत के द्वारा स्क्रब किया जाता है या रगड़ा जाता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। बहुत से शांत लोग एकांतवासी लोग जो अकेले रहते हैं और शांत रहते हैं वे बदल जाते हैं बहुत ही रोमांचक और ऊर्जा खर्च करने वाले खेल में, जैसे खेल खेलने में लग जाते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, नदी में जो राफ्ट बना के तैराकी की जाती है, और कैनोइंग, डोंगी चलाने को कहते हैं, रैपलिंग जो रस्सी वगैरह बांध के चढ़ाई की जाती है, ये रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और पहाड़ियों पे जो बाइकिंग की जाती है, बाइक चलाई जाती है। तो इस रोमांचक कार्य में जिसमें काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है, तो यहाँ के शांत और अकेले लोग लगे रहते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। बहुत सी पगडंडियाँ इन पैदल चलने वालों के पसंदीदा स्थान हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, चिड़िया, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ यहाँ पे आपको कंपनी देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए हैं। मेलाबार स्क्वायरल लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मैकाक एक प्रकार का लंगूर होता है, मेलाबार स्क्वायरल एक प्रकार की गिलहरी है, लंगूर्स और स्लेंडर लोरीज पतले लोरीज पेड़ की छतरियों से आप पर नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप एसाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। राइटर कह रहा है कि मैं इस बात को वरीयता देता हूँ, जब कोई जंगली हाथी होता है तो मैं किनारे हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रास्तों में जंगली हाथी भी मिलते रहते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कोर्ग। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे चढ़ना, या जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो आपको कुर्ग की जो विशाल लैंडस्केप है, प्राकृतिक भूदृश्य है, पैनोरमा व्यू मतलब प्राकृतिक भूदृश्य और लैंडस्केप मतलब समतल भूतल, तो कुर्ग का जो समतल भूतल है और प्राकृतिक भूदृश्यों से भरा हुआ है उसको आप देखते हैं। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड फ्रॉम निषाद गदमा। और एक रस्सी की ब्रिज से आप अगर चलते हैं तो आप 64-acre के आइलैंड पर पहुंचते हैं, जो कि निषाद गदमा का है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स
from India's largest Tibetan settlement. और यहाँ पे आप भारत के सबसे बड़े तिब्बती जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते हैं वहाँ पहुँचते हैं इस आइलैंड पर. एट नियर बाई बेलाकपू इज ए बोनस. और यहाँ पे आपको बेलाकपू या तिब्बत के जो भिक्षु हैं अतिरिक्त रूप में मिलते हैं देखने के लिए समझने के लिए. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here in Coorg. पादरी या भिक्षु जो कि लाल गेरुए और पीले रंग की पोशाक में होते हैं यह भी एक आश्चर्यजनक वस्तुओं में से होते हैं. ये भिक्षु जो उन लोगों को मिलते हैं जो यहाँ पे पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ पर भारत को खोजने का प्रयास करते हैं वो भी आपको कुर्ग में यहीं पे मिलते हैं.